स्टार्टिंग का डांस ही नहीं देख पाई, लास्ट का देख, कितनी मस्ती कर रहे हो तुम लोग। मस्ती और भी अच्छा रतन से मिल। चल चल हेलो मैम, तुम भी सुप्रिया आओ बैठो, अपनी सहेली से बातें करो। क्यों आप जा रहे हो? नहीं नहीं बस आती हूँ, मैं तुझे काम देख कर आती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है सुप्रिया, तू भी। अच्छा ये बता, हाँ इतनी देर पहुँच के कैसा लग रहा है? दूर कहाँ, अब तो एकदम पास पहुँच गई, मंजिल तो यूँ है। अरे मोना, हाँ? जहाँ से इसने सफर स्टार्ट किया था वहाँ से तो इतनी देर पहुँच गई है ना। हाँ ये बात है। अरे एक वो दिन था जब ये सबसे एक साथ मिली थी पहली बार, वो भी 16 दूल्हे। इतने कपड़े भी अगर सामने रख दे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पहनना है, ये तो दूल्हा चुनना है भाई। हाँ वैसे लेकिन पता है एक जमाना वो भी होता था जब एक लड़की को 10-10 लड़के देखने आते थे और फिर पूरा इंटरव्यू लेते थे। हाँ भाई चल के दिखाओ, चल गा के दिखाओ, सिलाई कढ़ाई आती है, खाना पकाना आता है। और अब देखो क्या जमाना आ गया है, एक लड़की 16 लड़के और हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तू भी क्यों नहीं सबर कर लेती? हाँ यार पता नहीं, एक्चुअली मेरा ना दिल बड़ा सॉफ्ट है, मुझे लगता है कि शादी वाले दिन ना 16 के 16 लड़के स्टेज पे ही खड़े होंगे, मैं किसी को ना नहीं बोल पाऊंगी, है ना, तो क्या करूँ मैं। लेकिन मोना ऐसे में लड़का कैसे मिलेगा, शादी कैसे होगी? हाँ अरे मेरी शादी की बात क्यों कर रहे हो यार, हम रतन के लिए यहाँ पे आए, अभी मेरी शादी लेके बैठ गए हो, रतन का स्वयंवर है ना। मैं बताऊँ इसने राजस्थान में क्या किया था, दुल्हों की जब वेट कर रही थी तो कितने नखरे दे दे के इसने वेट की थी। मैंने नखरे किए थे? और नहीं तो क्या, और कैसे कैसे इंटरव्यू लिए थे रतन ने, मैं थी वहाँ, आई सॉ इट। मैं अपने अंदाज में बताऊँ? हाँ बताओ बताओ।
उसने अपने डांस में तीनों लड़कों के फोटो यूज किए थे जिसमें मूंछ बनाया हुआ था, और मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये तीनों लड़के मूंछ में कैसे लग सकते हैं, पर आज मुझे पता चला ओह गॉड ये ऐसे लगेंगे मूंछों के साथ।